आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। अभी हम मौजूद हैं रोहतास जिला मुख्यालय के चिनारी प्रखंड स्थित गुप्ता धाम मंदिर परिसर में। ये मंदिर परिसर का काफी पुराना इतिहास रहा है। पुराना इतिहास ये रहा है कि भगवान शिव ने भस्मासुर को एक वरदान दिया था। वरदान ये दिया था कि जिसके सर पे हाथ रखोगे वो जलकर राख हो जाएगा। उसी वरदान को आजमाने के लिए भस्मासुर ने खुद भगवान शिव के सर पे हाथ रखना चाहा। भगवान शिव भागते भागते हमारे पीछे एक गुफा है, इसी गुफा में आकर छुप गए। छुपने के बाद भगवान शिव ने अपना जान बचाने के लिए विष्णु भगवान को आराधना किए। तभी विष्णु भगवान साक्षात अवतार लेकर मोहिनी रूप धारण कर भस्मासुर को जलाकर राख कर दिए। आइए हम बात करते हैं यहाँ से पुजारियों से कि क्या है पूरा मामला। भस्मासुर तपस्या कर रहा था, उसका बेटा सुनाम था, राक्षस था, इनका बहुत बड़ा भक्त था। तपस्या किया, उनको वरदान दे दिया कि जिसके हाथ पाप सर रखिए, सर पर रखिए वो जल जाएगा। तो उन्हीं पर रखना शुरू किया कि आप ही को देखते हैं कि हमारा आपका जो दिया हुआ वरदान सही है कि गलत है। बाबा गुप्ता धाम बाबा शंकर भगवान यहाँ कैसे आए? वही भस्मासुर कुदा कर लाया। कैसे कुदा कर लाया? यही वरदान देकर, जो वरदान दिया है ना वही कुदा कर उनको लाया। ये अपने त्रिशूल से इनको बनाया, उसी में छिप गए और तब आवाहन किए विष्णु भगवान को, जो मोहिनी के रूप पकड़े, तब इनको पार्वती के रूप धरकर उनको जला दिया। जला कर तब जल गए। तो उसी समय से भस्मासुर के नाम पुराण उनका विकास नाम था, पुराण में उसके लिखा है शिव पुराण में उनका विकास नाम था। बाबा गुफा में जाकर क्यों कैसे बसे? त्रिशूल से फाड़, ऐसा सुनने में आता है कि त्रिशूल से फाड़ते हुए गुफा में, गुफा के कोने में जाकर बस गए। ऐसा है? हाँ, उसी तरह बसे। कला की बड़ी महत्व है। शंकर जी पर आदमी कांवर लेकर काशी से या नहीं बना बक्सर से लेकर जलाते हैं, उन्हीं को चढ़ाते हैं। उसकी माता है कि जल चढ़ाने से उनकी मुक्ति मिलती है, बैठक जाते हैं लोग, नहीं जो मांगते हैं वो मिलता है। कहाँ कहाँ से लोग यहाँ आते हैं? काशी के लोग देखिए कहाँ बैठे हैं, काशी के लोग बहुत चलाते हैं। अभी तो पूर्णिमा आ गई, गुरु पूर्णिमा का दिन आ गया और सावन 14 तारीख से शुरुआत है। कांवर लोग 14 से छूट कर देते हैं, एक माह तक लोग आते रहेंगे और जाते रहेंगे। सावन का पूर्णिमा के बाद मेला समाप्त हो जाएगा। एक दिन में कितने श्रद्धालु दर्शन करते हैं? एक दिन में एक सोमवार को कम से कम 1 लाख श्रद्धालु दर्शन करते हैं। कितने राज्यों से यहाँ? हर प्रांत से आते हैं, कोई यहाँ नहीं है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हर प्रांतों से आते हैं। ये नहीं कि कहीं कहें, ये नाका पर पूरे पता चल जाएगा आपका। यहाँ वन विभाग नाका बना है, वहाँ से पता कर लीजिए कि कितने प्रांत के लोग आते हैं। क्या नाम है बाबा? राजबली। आप क्या हैं? यहाँ के साथ पुजारी, मेन पुजारी, मुख्य पुजारी। कहाँ से आए हैं दर्शन करने के लिए? हम लोग आरा से आए। हर साल हम लोग गुरु पूर्णिमा के रोज सुबह में आते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन पूजा अर्चना करते हैं, भंडारा का प्रसाद अर्पण करते हैं। जो भी हम लोग का अपना से सहयोग हुआ हम लोग गुरु भंडारा में देते हैं, दर्शन किए, फिर कल हम लोग सुबह सावनी जल चढ़ाकर वापस निकल जाएंगे। क्या नाम आपका? दीपू केसरी। आरा से आए हैं हम लोग गुप्ता दर्शन करने के लिए, बाबा का मंदिर देखने। हर साल आते हैं हम लोग। जन्म से कर दिए आप लोग? हाँ कर दिए। मनोकामना पूरा होता है? हाँ हर साल हम लोग आते हैं, होता है। अच्छा अच्छा, सावन का आज पहला दिन है, आपको कैसा लग रहा है? कैसा महसूस हो रहा है? प्रशासन की तरफ से चाहे कमेटी की तरफ से क्या व्यवस्था किया गया यहाँ पे? बहुत व्यवस्था, हर तरह का व्यवस्था है। कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है? क्या नाम हुआ आपका? कौशल्या देवी। अभी आपने सुना यहाँ के पुजारियों को, पुजारी ने क्या कुछ कहा? पुजारी का ये कहना है कि जिला प्रशासन और कमेटी के माध्यम से पहले की अपेक्षा बहुत सारा व्यवस्था कर दिया गया है, रोड बना दिया गया है और काफ़ी साफ सफाई कर दिया गया है। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।